पार्ट फर्स्ट ईयर भोजन एवं पोषण सेकंड बुक के अंतर्गत आज का टॉपिक है कि भोजन के काव्य मानव जीवन में कि भोजन क्यों आवश्यक है, उनके क्या क्या काव्य होते हैं। जल वायु एवं भोजन मानव जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भोजन का महत्व भी मानव के लिए जल तथा वायु के समान ही है भोजन प्रत्यक्ष रूप से तो मात्र क्षुधा तृप्ति हेतु ही किया जाता है, किंतु इसके अतिरिक्त और भी अनेक जो महत्वपूर्ण कार्य उनको संपन्न करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जो मानव विकास तथा वृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं। भोजन मानव जो शरीर है उसमें एक यंत्र यानी ईंधन का काम करता है, जो उसके विभिन्न क्रिया विधियों के संचालन तथा उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है भोजन। अब आता है भोजन के कार्य या भोजन के प्रकार। भोजन के मुख्य रूप से दो प्रकार है, पहला है शाकाहारी भोजन और दूसरा है मांसाहारी भोजन। शाकाहारी भोज्य पदार्थों में मुख्य रूप से उन भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। इन शाकाहारी भोजन के अंतर्गत उन भोज्य पदार्थों को शामिल किया जाता है जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, जैसे सभी प्रकार के अनाज, दाल, हरी सब्जियां, कंदमूल, फल आदि। सेकंड आता है कि मांसाहारी भोज्य पदार्थ। मांसाहारी भोज्य पदार्थ प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ हैं। इन प्राणी जगत से प्राप्त जो भोज्य पदार्थ है वह मांसाहारी भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, जैसे अंडा, मांस, मछली आदि। इन शाकाहारी भोज्य पदार्थों के अंतर्गत तो आते हैं अनाज, दालें, हरी सब्जियां, कंदमूल, फल आदि। और मांसाहारी भोज्य पदार्थों के अंतर्गत है मांस, अंडा, मछली आदि। अब आते हैं भोजन के प्रमुख कार्य। भोजन के कार्य को मुख्यतः हमने तीन भागों में इन्हें विभाजित किया है, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक कार्य। पहला आता है वह इसके अंतर्गत ही शारीरिक कार्य। शरीर को जो सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। यह न केवल शरीर के बाह्य कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करता है अपितु शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनको भी क्रियाशील बनाए रखता है। भोजन के जो शारीरिक कार्य उनको मुख्य रूप से तीन भागों में भी विभाजित किया गया है, ऊर्जा या शक्ति देना। पहला है इसी के अंतर्गत ही ऊर्जा या शक्ति देना। शारीरिक कार्य जिन्हें भी हमने तीन भागों में विभाजित शारीरिक कार्य को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया है, ऊर्जा या शक्ति देना। दिन प्रतिदिन हम कई सारे काम करते हैं। काम करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। यह जो शक्ति है हमें भोजन से मिलती है। भोजन के बिना कोई भी व्यक्ति अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकता, यानी जिस व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता तो वह अधिक समय तक कार्य को नहीं कर सकता। भोजन द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को शरीर विभिन्न कार्य के लिए प्रयोग में लेता है। भोजन के द्वारा प्राप्त की गई जो ऊर्जा है उन्हें विभिन्न कार्यों में प्रयोग करने में उन्हें लेता है, जैसे खेलना, कूदना, सफाई करना, कपड़े धोना, खेतों में काम करना आदि। ये सभी ऐच्छिक कार्य कहलाते हैं, यानी डेली के काम कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन शरीर के कई अनैच्छिक कार्य जैसे हृदय की धड़कन, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया आदि के लिए भी ऊर्जा प्रदान करना आवश्यक है। अगर हमारे शरीर में भोजन की मात्रा पर्याप्त रूप से होगी, भोजन हमें निरंतर मिलता रहेगा, तो हमारे जो शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक काम है और सामाजिक काम है वह निरंतर चलते रहेंगे। अगर भोजन की प्राप्ति हमें नहीं होती तो हमारे शायद जो भी काम है वह सुचारू रूप से नहीं चल पाते। इसी के अंतर्गत सेकंड पॉइंट आता है शरीर का निर्माण करना। ये तो था शरीर का निर्माण करना। शारीरिक कार्य के अंतर्गत पहला पड़ा ऊर्जा या शक्ति देना, सेकंड है शरीर का निर्माण करना। शरीर एक विकासशील जैविकीय इकाई है, यानी कि विकासशील और जैविकीय इकाई है जो छोटे छोटे कोषों से बनती है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है कोशिका, सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है।
हमारा शरीर जो है असंख्य कोशिकाओं से बना है। हमारा जो शरीर है वह अनेक जो कोशिकाएं हैं उनसे बना हुआ है। भ्रूण जब माता के गर्भ में विकसित होता है, जब एक भ्रूण होता है, जब वह माता के गर्भ में विकसित होता है, तभी से वे कोशिकाओं से नए नए ऊतक बनाना प्रारंभ हो, वहीं से ही नए नए जो ऊतक है बनने प्रारंभ हो जाते हैं तथा शरीर की वृद्धि एवं विकास करते हैं। वहीं से ही वे शरीर की वृद्धि भी करते हैं और उनका विकास भी करते हैं। शरीर निर्माण की जो यह प्रक्रिया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में विशेष रूप से क्रियाशील रहती है। यही कारण शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में है क्रिया विकसित कार्यशील रहती है। यही कारण है कि जन्म के समय बच्चा सिर्फ 2.5 से 3 किलोग्राम 3 केजी का वजन और लगभग उसकी लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर। जब एक बच्चा होता है तो उसका वजन तो होता है 2.5 से 3 किलोग्राम और उसकी लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर। और वयस्क होने पर वयस्क जब होता है तो वह 50 से 60 किलोग्राम वजन तथा 5 से 6 फीट लंबाई को प्राप्त कर लेता है। इस निरंतर वृद्धि एवं विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। युवावस्था जो है उसमें शारीरिक वृद्धि तो पूर्ण हो जाती है, परंतु प्रतिदिन शरीर में पुरानी जो कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, टूटते या मरते रहते हैं और उनकी जगह जो नई कोशिकाएं ऊतक हैं और उनके तंतु बनने लग जाते हैं। इन टूट फूट की मरम्मत के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता, हमारे शरीर में जितनी टूट फूट की मरम्मत है उसकी पूर्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर निर्माण के दोनों कार्य शारीरिक वृद्धि विकास एवं टूट फूट की मरम्मत प्रोटीन के द्वारा की जाती है। यानी शारीरिक वृद्धि है, विकास है और हमारे शरीर में जितनी भी टूट फूट की मरम्मत की जाती है वह प्रोटीन के द्वारा पूरी की जाती है। प्रोटीन हमें दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ जैसे दही, पनीर, छेना, मावा, दालें, फलियां, मूंगफली, मांस, मछली, अंडे से प्राप्त होते हैं। यह वृद्धिकारक तत्व कहलाते हैं। प्रोटीन युक्त या वृद्धिकारक भोज्य पदार्थों की कमी से बच्चों की जो शारीरिक वृद्धि है, मानसिक विकास है, वह रुक जाता है या अवरुद्ध हो जाता है तथा वयस्कों में जो है शारीरिक कमजोरियां होती हैं। प्रोटीन के अतिरिक्त खनिज लवण मुख्यतः कैल्शियम है, फास्फोरस है, लोहा है या आयोडीन तथा जल भी वृद्धिकारक तत्व है जो शरीर निर्माण में मदद करते हैं। अब आता है इसके बाद ये तो था शरीर का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। अब आता है शरीर की जो विभिन्न प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं उनके रोगों से सुरक्षा किस प्रकार से करते हैं। भोजन का कार्य है शारीरिक अवयवों का निर्माण करने एवं उन्हें ऊर्जा प्रदान करने के लिए सीमित नहीं है, पवन भोजन हमें स्वस्थ रखने हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो कि हमें बीमारियों से बचाता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन भी करता है, जैसे शरीर के तापमान का नियंत्रण, रक्त का एवरेज रूप से बहाव, अम्लक्षार का संतुलन, मलमूत्र का जो है उत्सर्जन, जैविक उत्प्रेरकों का सक्रियकरण, विटामिन, खनिज लवण आदि के द्वारा ये संपादित किए जाते हैं। प्रत्येक तत्व शरीर में अपने विशिष्ट कार्य करने के शरीर में जो विशिष्ट कार्य उनको करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि भोजन में इनमें से हमें किसी भी एक तत्व यानी कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, खनिज लवण इनमें से किसी एक तत्व की कमी होने पर या किसी एक तत्व की अधिकता होने पर या कोई तत्व अधिक हो जाता है या कोई तत्व कम हो जाए तो शरीर के जो कार्य है वह कार्य संचालन में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तथा शरीर जो है रोगग्रस्त हो जाता है। यानी कोई भी जो विटामिन है, खनिज लवण है, किसी की मात्रा ज़्यादा होने या किसी की मात्रा कम होने पर भी हमारे जो शरीर में जो उत्प्रेरक तत्व उनकी अव्यवस्था उत्पन्न
हो जाती है। शरीर के वो शरीर जो है उनको रोगों से संघर्ष करने की शक्ति भी इन्हीं पोषक तत्वों से ही मिलती है, अतः इन्हें सुरक्षात्मक तत्व भी कहते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इन्हें हम सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ भी कहते हैं। विटामिन व खनिज लवण हरी पत्तेदार सब्जियाँ व अन्य सब्जियों जैसे फल, दूध, अंडा, मांस, मछली में बहुतायत में पाया जाता है। विटामिन व खनिज लवण इनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो साबुत दालें हैं, अनाज हैं, तो अभावी पौष्टिक तत्व कुछ मात्रा में ही प्राप्त किए जाते हैं। इस समूह के भोज्य पदार्थों को हम सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं। ये तो रहा शारीरिक कार्य के अंतर्गत, अब आता है वह मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य भोजन जो है शारीरिक कार्य को पूर्ण करने के साथ साथ हमें मानसिक जो संतुष्टि है और सुरक्षा भी हमें प्रदान करता है। अब बच्चा सदैव माता की गोद में ही दूध पीकर भी अधिक सुरक्षित और प्रसन्नता महसूस करता है। बाजार में विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं पकवान खाने में मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती और घर के सात्विक व सादा भोजन के खाने से ही वह संतुष्टि हमें प्राप्त हो जाती है। भूख की संतुष्टि करके भोजन को मानसिक संतुष्टि प्रदान करना जो पौष्टिक तत्वों की गोलियां खाने से कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। मनुष्य का खान पान, उसकी संस्कृति, उसके रीति रिवाज एवं भोजन संबंधी जो आदतों पर भी निर्भर करता है। मनुष्य जब चावल खाना अधिक पसंद करता है तो उसे रोटियां दी जाएं तो उसे मानसिक संतुष्टि उसे प्रदान नहीं होगी। यानी किसी व्यक्ति को चावल अधिक पसंद है तो और चावल की जगह उसे रोटियां प्रदान की जाती है तो उसे मानसिक संतुष्टि उससे नहीं मिलती है और चावल प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता है जिससे वह दर्शों तक खाता आया है। मनुष्य को वही भोजन अधिक मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं जो उनकी रुचि के अनुसार हो और मनुष्य किसी प्रकार और डेली उनमें परिवर्तन किया जाता है जिससे उनकी मानसिक संतुष्टि प्रभावित होती है। भोजन द्वारा ही वह संवेगों को भी प्रकट करते हैं सुरक्षा की भावना के रूप में और भोजन का प्रयोग बल के रूप में भी किया जाता है। ये तो था भोजन के कार्य के अंतर्गत ही मनोवैज्ञानिक कार्य। अब आता है भोजन के कार्य के अंतर्गत ही सामाजिक कार्य। भोजन के सामाजिक कार्य का महत्व शारीरिक और मानसिक कार्यों से किसी प्रकार से कम, शारीरिक और मानसिक जो भोज्य पदार्थ है उनसे किसी प्रकार से कम नहीं है। भोजन व्यक्ति में आपसी संबंध बढ़ाता, उन्हें मैत्री भाव संदृष्ट करने में सहायक होता है। प्राचीन युग से ही खाना बांटकर खाना मित्रता का प्रतीक माना, भोजन को अधिक मात्रा में बांटकर खाना ही मित्रता का प्रतीक माना जाता था जो आज के आधुनिक युग में यथावत है। यह सभी घर पर आए अतिथि यह सत्कार भोजन करते हैं और अतिथि के लिए अच्छे से अच्छे भोजन ही परोसा जाता है। बच्चे के जो जन्मदिन है, शादी है, पार्टी है, विवाह उत्सव पर भी भोजन को करवाया जाता है जिसमें सामाजिक संबंध जो है हमारे बढ़ते हैं। पर किसी नए परिचित जो व्यक्ति हैं उनसे मैत्री बढ़ाने के लिए घर पर भोजन का प्रबंधन भी किया जाना आवश्यक होता है। बड़े बड़े भोजों दे व्यक्तियों को आमंत्रित करना सामाजिक प्रतिष्ठाओं का सूचक है। इसके अतिरिक्त अनेक त्यौहार हैं जैसे दिवाली, रक्षाबंधन, होली आदि पर मिठाइयों का आदान प्रदान करना जो भी हमारी सामाजिक संबंधों को बढ़ाता है। हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रांतों में भी भोजन का आयोजन करना अनिवार्य सा हो गया है। विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भिन्न जाति के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करते होते हैं। भोजन हमारी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। ये थे भोजन के प्रकार जिन्हें हमने दो भागों में विभाजित किया, शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन जो है वनस्पति जगत से प्राप्त किए जाते हैं जैसे दाल है, अनाज है, फल है, ये सारे शाकाहारी भोज्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। और मांसाहारी जो भोज्य पदार्थ है उसके अंतर्गत जैसे अंडा, मांस और मछली इसके अंतर्गत आते हैं। भोजन के कार्य जो है उसे हमने तीन भागों में विभाजित किया, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक कार्य। शारीरिक कार्य के अंतर्गत हमने तीन पॉइंटों को पढ़ा, ऊर्जा शक्ति लेना, शरीर का निर्माण करना, शरीर की जो विभिन्न प्रक्रियाओं का नियंत्रण और उनकी रोगों से सुरक्षा प्रदान करना शारीरिक कार्य के अंतर्गत हमने पढ़े।